हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर। जिसके लिए चलिए हम देख लेते हैं। ये हमें पीनट चाहिए 1 कप। चलिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इस तरह से चलाते हुए मीडियम टू लो पे आप हमें रोस्ट कर लीजिए। इस तरह से चलाते रहिए, खूब अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से पीनट बटर बनेगा। चलिए ये देखिए रोस्ट होना शुरू हो गया है। इस तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लीजिए खूब अच्छे से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रोस्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरह से चलाते रहिए। पीनट बटर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए रोस्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए इस तरह से जब ये रोस्ट होने लगेगा तो दिखेगा आपको। इस तरह से चलाइए। चलिए अब इसे हम एक कपड़े पर निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। इस तरह से आप सारे ठंडा होने के बाद एक कपड़े पर निकाल लीजिए। इस तरह से फैला लीजिए एक कपड़े पे और उसी से इस तरह से आप रगड़ दीजिए उस तरह से, ताकि इसके सारे छिलके अच्छे से निकल जाएं। ये देखिए छिलके निकलने लगे। इस तरह से हम पूरे अच्छी तरह से कपड़े से रगड़ कर छिलके सारे निकल जाएंगे आराम से। इस तरह से रगड़ते जाइए। इस तरह देखिए सारे छिलके निकल गए हैं। ये देखिए मूँगफली इस तरह से हमें चाहिए। अब इस मूँगफली को एक इस तरह से, कोई फ्राइंग स्पून हो जिसे हम पूड़ियाँ निकालते हैं, इस तरह से सारे छिलके इसके निकल जाएंगे। इस तरह से निकाल लीजिए चलाते हुए हिलाते हुए, अच्छी तरह से सारे छिलके निकल जाते हैं इस तरह करने से। ये देखिए एक आध जो बच जाएंगे इस तरह हाथ से आप छिलके निकाल लीजिए। ये देखिए सारे छिलके कितने आसानी से निकल जाते हैं कपड़े से रगड़ देने से बिना मेहनत किए। इस तरह से मूंगफली के कितना बढ़िया सारे निकल गए, और जो थोड़े बहुत हैं हाथ से निकाल लीजिए इस तरह से। ये देखिए चलिए अब इसे ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। इसे हल्का ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। चलिए सब हम डालकर इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। हमने डाल दिया है, चलिए ग्राइंड कर लिए कर लेते हैं। ये देखिए ग्राइंड हो गया है। अब इसमें से हमें 1-2 चम्मच ही निकालना है, ताकि हम बाद में इसे पीनट बटर में मिला सकें, जिससे थोड़ा क्रंचनेस आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रहे हैं। गुड़ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये गुड़ डालकर इसमें थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर दे रहे हैं। ये हम रॉ सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, रॉक सॉल्ट। ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहें तो हनी के जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हेल्दी पीनट बटर बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ हनी यूज़ कर रही हूँ। चलिए इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ग्राइंड हो गया, कितना बढ़िया पीनट बटर घर पे बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसे स्मूदी से मिक्स डालकर पीजिए, या ब्रेड में लगाइए, चपाती के साथ खाइए। चलिए हमने जो अलग रख करके रखा हुआ था ड्राई, वो इसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि इसमें क्रंचनेस थोड़ी सी मूंगफली की रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये पाउडर जो हमने अलग से रखा था थोड़ा सा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप पीनट बटर स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। इस तरह से बनाइए हेल्दी पीनट बटर, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, एनर्जी भी देता है।
इस तरह से ये देखिए मिक्स होने के बाद आपको दिखेगा इसका कलर। इसलिए ऐसे दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें गुड़ ऐड किया था और हनी ऐड किया था। अगर ऑयल में आप इसे बनाएंगे तो ये अलग तरह से कलर इसका रहेगा। चलिए इसे एक जार में ऐड कर लेते हैं। इस तरह से डालकर हम रख देते हैं। इस तरह से आप बनाइए और खाइए। एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रख दीजिए। जब मन करे तो इसे यूज़ करिए और फिर बंद कर दीजिए। इसे आप एक महीने यूज़ करिए फिर बना लीजिए जब ये ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।